इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस के पूर्व विधायक और अब बीजेपी के सदस्य हुए प्रद्युम्न लोधी जी। लोधी जी, क्या समीकरण जमे ऐसे कि जो आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? कोई समीकरण कुछ नहीं, मैं तो अभी 2-3-4 दिन पहले यहाँ आया था। बजट का सेशन था और मैं चाहता था कि हमारी कुछ परियोजनाएं हैं वो स्वीकृत हो जाएं, और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया और बुंदेलखंड की स्थिति बताई तो उन्होंने 450 करोड़ की बृहद हमारी सिंचाई परियोजना है उसको स्वीकृति दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। बहुत दिनों से लंबित परियोजना, आज जो हमारे यहाँ से पलायन होता था, जो किसान मजदूर बन के जाते थे, आज वो किसान बनकर कम से कम रहेंगे और बहुत अच्छे विकास होगा। 15 महीने जो काम हुआ था, 15 महीने, आपको लगता नहीं है कि 15 महीने वो काम हो पाया? जी, 15 महीने जो कमलनाथ सरकार में, आपको लगता बुंदेलखंड का विकास हुआ? विकास हो नहीं पाया जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, उस हिसाब से विकास हो नहीं पाया। आप सबने देखा वो मंत्री पद का भी एक आश्वासन मिला है? नहीं, कोई मंत्री पद का कोई आश्वासन नहीं मिला, और ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, पद महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ विकास महत्वपूर्ण है। क्या कई और लोधी विधायक भी आपके संपर्क में हैं जो बीजेपी में आ सकते हैं? अब सब विधायक तो सभी संपर्क में हैं, बहुत से संपर्क में हैं, और यदि उनको लगेगा कि हमें विकास कराना चाहिए, होना चाहिए, तो निश्चित रूप से। तो ये थे प्रद्युम्न लोधी, जिनका ये कहना है कि कई और लोधी विधायक उनके संपर्क में हैं और अगर जरूरत पड़ी विकास के लिए वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनका साफ कहना है कि मंत्री पद का कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, क्षेत्र में विकास के मकसद से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल।